कर्नाटक में क्या कांग्रेस की हवा चल रही है? क्या कांग्रेस के पक्ष में माहौल दिखाई पड़ रहा है? ये सारी बातें इसलिए कही जा रही हैं क्योंकि कर्नाटक बहुत ही एक ऐसा राज्य है जहां पर लोग संवेदनाओं के साथ में वोट देते हैं। फिल्मों का जबरदस्त असर है। पूरे दक्षिण भारत में यूं तो देखा जाए, फिल्मी कलाकार जो होते हैं वो राजनीति पर किस तरीके से हावी होते हैं, कैसे लोग हाथों हाथ उनको ले लेते हैं, एक नहीं बहुत सारे ऐसे उदाहरण आपको मिल जाएंगे। और कर्नाटक की राजनीति में भी कई बड़े सितारे हैं, कई बड़े चेहरे हैं। इनमें सुपरस्टार राजकुमार का परिवार जो है वो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। अब उनके परिवार का कौन सदस्य कांग्रेस के साथ में आ गया है और कांग्रेस के साथ में आने के मायने क्या हैं? क्या इन फिल्मी सितारों को भी लग रहा है कि कांग्रेस के पक्ष में हवा चल रही है? देखिए, कई मुद्दे हैं, कई बातें हैं। एंटी इनकम्बेंसी है, जगदीश शेट्टार का आना है, राहुल गांधी प्रियंका के धुआंधार प्रचार हैं, अमूल नंदिनी का मुद्दा है, हिंदी का मुद्दा है, सीमा विवाद, बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर मैंने कई डिटेल्ड रिपोर्ट आपके सामने रखी हैं। लेकिन इस सब के बीच में कर्नाटक के फिल्मी सितारे ये किसके साथ में, और सबसे बड़ा सितारा या सबसे बड़ा परिवार फिल्मों का जो है वो किसके साथ में जाता है, ये बहुत बड़ा सवाल था और इससे एक बड़ा इशारा मिलता है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। एक नाम है, आप भी इनके चेहरे से बहुत, अब तो हिंदी बेल्ट भी जो है वो साउथ के स्टार से वाकिफ है, शिव राजकुमार। इनके छोटे भाई की जो अकस्मात मृत्यु हो गई थी उसको सभी जानते हैं, वो बड़ा दुख का माहौल था। लेकिन शिव राजकुमार भी अपने आप में बहुत बड़ा नाम माने जाते हैं कर्नाटक फिल्म इंडस्ट्री का। शिव राजकुमार ये तो खुद तो नहीं आए सामने, लेकिन क्या इनका झुकाव इस वक्त कांग्रेस की तरफ है, ये प्रश्न जरूर चल रहा है। और एक तरीके से उनका एक अपरोक्ष समर्थन भी दिखाई देता है, क्योंकि शिवराज कुमार की पत्नी गीता शिवराज कुमार शुक्रवार को जनता दल एस छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गई है। ये जेडीएस के लिए बड़ा झटका है और कांग्रेस के लिए ये एक और महत्वपूर्ण बात है। शेट्टार के बाद में गीता शिव राजकुमार का आना ये एक बड़ी कामयाबी कांग्रेस के लिए चुनाव के इमीडिएट पहले मानी जा रही है। गीता कन्नड़ फिल्मों के दिग्गज अभिनेता दिवंगत राजकुमार बहुत बड़े स्टार थे, बहुत बड़े स्टार रहे हैं कन्नड़ फिल्मों के, और राजकुमार की पुत्रवधु बहू हैं और पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत एस बंगारप्पा की बेटी भी हैं। आप ये भी याद रखिए कि वो बंगारप्पा की बेटी होने के नाते और राजकुमार की बहू होने के नाते एक बड़ा चेहरा वैसे भी कर्नाटक की सियासत में मानी जाती है। गीता के कांग्रेस में जुड़ने के बाद उनके भाई मधु बंगारप्पा बेहद खुश नजर आ रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि गीता आने वाले चुनाव में अपने भाई को अपना पूरा समर्थन देंगी। उन्हें प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार, पार्टी प्रवक्ता गौरव वल्लभ और उनके छोटे भाई मधु बंगारप्पा की उपस्थिति में कांग्रेस में शामिल करवाया गया है। मधु बंगारप्पा सोराबा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। गीता के दूसरे भाई और पूर्व मंत्री कुमार बंगारप्पा भारतीय जनता पार्टी में हैं, वो सोराबा से भाजपा के उम्मीदवार हैं। गीता शिवराज कुमार ने क्या कहा है वो अभी आपको बता देते हैं। कांग्रेस में शामिल होने के बाद गीता ने कहा, मैं ऐसा करके बहुत प्रसन्न हूँ। कांग्रेस एक ऐतिहासिक पार्टी है जिसने मेरे पिता को मुख्यमंत्री बनाया था। उन्होंने कहा कि वो कनकपुरा क्षेत्र में शिव कुमार के लिए और सोराबा में अपने भाई मधु के लिए प्रचार करेंगी। उन्होंने कहा कि इसके अलावा वो पार्टी के निर्देश पर प्रचार करती रहेंगी। गीता ने 2014 का लोकसभा चुनाव जेडीएस उम्मीदवार के रूप में शिवमोगा से लड़ा था, लेकिन वो हार गई थी। गीता और शिवकुमार दोनों ने संकेत दिए हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले आने वाले दिनों में शिवराज कुमार भी कांग्रेस के लिए प्रचार करेंगे, और ये बड़ी बात है। देखिए, मैंने आपको कहा था अपरोक्ष रूप से शिवराज कुमार साथ में आ रहे हैं, लेकिन ये दावा किया जा रहा है उनकी पत्नी की तरफ से कि वो भी कांग्रेस के लिए प्रचार करते दिखाई देंगे। और विश्वास करिए, शिवराज कुमार एक बहुत बड़े स्टार हैं कन्नड़ फिल्मों के। शिवराज कुमार का इनके लिए प्रचार करना पक्ष में ये एक बड़ी घटना मानी जा रही है। मीडिया से बात करते हुए शिवराज कुमार ने कहा कि उन्हें खुशी है कि उनकी पत्नी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रही हैं। उन्होंने कहा, गीता ने एक नए बदलाव का फैसला किया है। मैं हमेशा अपनी पत्नी द्वारा लिए गए फैसलों का समर्थन करता हूं। हम शनिवार से मधु बंगारप्पा के लिए प्रचार में हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा, उनके पिता राजनीति में थे और मुझे उन्हें राजनीति सिखाने की जरूरत नहीं है। वो सामाजिक कार्यों और बच्चों के लिए कौशल प्रशिक्षण में शामिल रही हैं। सामाजिक कार्यों में उनकी अधिक रुचि है। कांग्रेस पार्टी को अब शिवराज कुमार के रूप में स्टार प्रचारक मिल गया है। एक और सुपरस्टार किच्चा सुदीप भी हैं। अब किच्चा सुदीप और शिवराज कुमार ये दोनों एक फिल्म में दिखाई दे रहे हैं। उपेंद्र भी उस फिल्म में है। फिल्म बड़ी चर्चित रही है हाल के दिनों में, कब्जा फिल्म का नाम है। कब्जा फिल्म में कन्नड़ फिल्मों के तीन सुपरस्टार आपको दिखाई पड़ते हैं। और यश जो हैं, जिनको आपने KGF में देखा, वो भी कन्नड़ फिल्मों के अभिनेता हैं। तो अब आप कन्नड़ फिल्मों के इन अभिनेताओं को देखें तो ये हिंदी बेल्ट के लिए भी अपरिचित चेहरा नहीं है। उपेंद्र, सुदीप और शिवराज कुमार तीनों एक फिल्म में, इनमें दो बड़े स्टार सुदीप किच्चा
और शिवराज कुमार, ये दोनों अलग अलग दल से आपको चुनाव प्रचार करते दिखाई देंगे। तो फिल्मों के चेहरे चुनाव में उतरते हैं, वो स्टार प्रचारक बनते हैं और खुलकर अब देखिए आप ये दो बड़े स्टार, जो दोनों अच्छे मित्र भी कहे जाते हैं, ये अब वैचारिक रूप से या पार्टी के लिहाज से अलग अलग दलों के लिए प्रचार करते दिखाई देंगे। शिवराज कुमार कांग्रेस के लिए, और ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा समर्थन माना जा रहा है, उनका चेहरा बहुत स्ट्रांग चेहरा माना जाता है। किच्चा सुदीप की अपनी लोकप्रियता है। पूर्व मंत्री और जेडीएस नेता बीवी निंगैया भी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। जेडीएस ने निंगैया को शुरू में मुदिगिरे विधानसभा क्षेत्र से टिकट दिया था, लेकिन बाद में पार्टी ने मौजूदा विधायक एमपी कुमार स्वामी को टिकट दे दिया। कुमार स्वामी को उनकी पार्टी भाजपा ने टिकट नहीं दिया था। गीता शिवराज कुमार ने हमेशा अपने भाई मधु बंगारप्पा का खुलकर समर्थन किया है, जो 2021 में जेडीएस छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए थे। मधु बंगारप्पा जब जेडीएस में थे तब उन्होंने खुद की पहचान जेडीएस से की थी। उन्होंने शिवमोगा में भाजपा के बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ 2014 में लोकसभा चुनाव लड़कर राजनीतिक पानी का परीक्षण भी किया था। कर्नाटक चुनाव में इस बार फिल्मी तड़का भी लगाया जा रहा है ताकि लोगों का समर्थन हासिल किया जा सके। एक तरफ फिल्मी सितारे शिवराज कुमार हैं, वो खुद प्रचार करते दिखाई देंगे, और उनकी पत्नी गीता शिवराज कुमार तो कांग्रेस में आ ही गई हैं। अब आपको सुपरस्टार किच्चा सुदीप के बारे में बता देते हैं, कर्नाटक चुनाव में उनकी भी एंट्री हुई है। भारतीय जनता पार्टी को सुपरस्टार किच्चा सुदीप का समर्थन मिला है, हालांकि वो चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं, लेकिन अपने बसवराज मामा की मदद करने का ऐलान वो कर चुके हैं। सीएम ने मीडिया से बात करते हुए कह दिया है कि किच्चा सुदीप के समर्थन से बीजेपी को चुनाव के दौरान जबरदस्त फायदा होगा, यानी बीजेपी भी मानती है कि स्टार्स का चुनाव प्रचार जो है वो फायदा पहुंचाता है। किच्चा सुदीप बड़े स्टार हैं, इस बात में कोई शक नहीं है, तगड़ी फैन फॉलोइंग है, ये भी जग जाहिर है, लेकिन क्या उनका चेहरा बीजेपी को वोट दिलवा सकता है, ये बड़ा सवाल है। और इसी तरह शिवराज कुमार भी बड़ा नाम है, और राजकुमार परिवार का अपना एक अपनी एक प्रतिष्ठा रही है कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में, और कर्नाटक के लोगों में काफ़ी सम्मान है राजकुमार साहब का, और उनके बेटे हैं शिवराज कुमार, तो देखना होगा कि इनका फायदा कांग्रेस को कितना मिलता है। उनकी पत्नी तो सीधे सीधे शामिल हो गई कांग्रेस में। कर्नाटक की राजनीति और वहाँ पर कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री की सक्रियता से समझा जा सकता है कि इनका कितना इम्पैक्ट है। कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री और राजनीति कैसी सियासत इनकी रही है अभी तक की, वो भी थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको। तमिलनाडु की बात करें, दक्षिण की राजनीति में तो हम देखते ही हैं कि किस तरीके से जयललिता, NTR, ये सब बहुत महत्वपूर्ण नाम रहे हैं, लेकिन कर्नाटक में भी राजनीति में आप देखेंगे कि फिल्मी सितारों का बड़ा दखल देखने को मिलता है। अब देखना होगा कि इस चुनाव में कितना असर फिल्म स्टार्स का देखने को मिलता है। बड़ा सितारा कांग्रेस को मिल गया, जी हाँ, ये बहुत बड़ा सितारा है, और इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि शिवराज कुमार आज की तारीख में सबसे लोकप्रिय अभिनेता के तौर पर लोकल फिल्म इंडस्ट्री में कर्नाटक में देखे जाते हैं। उनकी फैन फॉलोइंग आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से देखने को मिलेगी। अब जब हिंदी में डब होकर फिल्में आ रही हैं तो उनकी कई फिल्में यहाँ भी लोकप्रिय हुई हैं, लेकिन उनका सीधे सीधे कांग्रेस के लिए प्रचार करना, उनकी पत्नी का कांग्रेस में शामिल हो जाना, ये सारी बातें इस ओर इशारा करती हैं कि आपको एक स्टार वॉर भी कर्नाटक के इन दिलचस्प चुनाव में देखने को मिलेगा। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले।